इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, किसी को शकूक और शुभात नहीं होने चाहिए। निगरान वज़ीरे दाखला गौहर एजाज ने वाज़ह कर दिया, कहा कि बलूचिस्तान और केपी में बदअमनी के वाकयात डराने के लिए किए गए हैं। इलेक्शन के लिए पूरे मुल्क में सिक्योरिटी देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का केपी और बलूचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश, बोले दहशतगर्दी सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद इलेक्शन का अमल नहीं रुकेगा। सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत में कहा कि कमीशन ने 2200 टन बैलेट पेपर खरीदा है और लेकिन डिमांड 2400 टन थी। कागज को मैनेज करने के लिए बैलेट पेपर का साइज कम किया गया। साइज छोटा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेट पर जहां ठप्पा लगाना है वो खाना मोहर के लिए छोटा नहीं होगा। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने अपने अहद की खिलाफ वर्जी की है। मामले से पाक अमेरिका तालुकात को नुकसान पहुंचा है। जज अबुल हसनात जुल्कुनैन ने साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसले के मुताबिक दोनों मुजरिमान ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई हैं, हमदर्दियां लेने के लिए बेयारों मददगार बनने की कोशिश की है। फेयर ट्रायल का हक चालाक मुलजिम के लिए नहीं है। आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। बतौर वज़ीरे आज़म बानी पीटीआई की जिम्मेदारी थी कि वो साइफर वापस लौटाते। अब तक साइफर वापस नहीं किया गया। मुजरिमान अपने आप को बेगुनाह साबित करने में नाकाम रहे। प्रोसिक्यूशन ने दोनों के खिलाफ साइफर केस को साबित कर दिया। पीटीआई का साइफर और तोशाखाना केसेस के तफसीली फैसलों की कॉपीज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। वकील सलमान सफदर, हामिद खान और बैरिस्टर अली जफर के जरिए दरखास्तें दायर। मौकिफ अपनाए कि रेफरेंस के ट्रायल में नकायस हैं। वकला को इस्तेगासा के गवाहान तक जिरा नहीं करने दी गई। मीडिया के जरिए इल्म हुआ है कि बानी पीटीआई को सजा दे दी गई। कैसे शख्स के झांसे में आ गए जिन्होंने जिनको आपने पहले आजमाया है तो उनको आजमाना दोबारा बार बार आजमाना ठीक नहीं है। आपको चक्कर दिया गया है, आज मुझे ना चक्कर देना। केपी वाले एक शख्स के झांसे में कैसे आ गए? आपने तब्दीली के लिए पुराना पाकिस्तान तबाह कर दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सवात में जलसे से खिताब, कहा कि केपी के लोग तो बहुत सादा और सीधे साधे हैं, उनको धोखा देते हुए आपको शर्म नहीं आई? आपने उनके जज्बात से कैसे खेला? नून लीग को 10 साल मिलते तो मुल्क में कोई बेरोजगार ना होता। मरियम नवाज बोली कि बानी पीटीआई के बच्चों का मुकद्दर अगर लंदन है तो फिर केपी के बच्चों का मुकद्दर जेल क्यों है? वो जिन मौकिलों और जिनों के सर पर हुकूमत कर रहे थे, आज वो मौकिल और जिन भी उन्हें छोड़कर भाग गए। मसला ये हुआ कि रायबंद का वजीर आजम दरमियान में तीसरी दफा वजीर आजम बन गया। उस शख्स ने सीपैक का रुख तब्दील कर दिया और बलूचिस्तान के पसमांदा इलाके से गुजरते हुए ग्वादर तक पहुंचना था, लाहौर से लेके गए और लाहौर में आपका सीपैक का पैसा इस्तेमाल हुआ ऑरेंज ट्रेन बनाने के लिए। रायवन का वजीर आजम सी पैक का रूट ना बदलता तो पसमांदा इलाकों की किस्मत बदल जाती। इसने सी पैक का सारा पैसा ऑरेंज लाइन क्वीन पर लगा दिया। लाहौर के पुराने सियासतदान के दावों पर हंसी आती है, मुजर रायवन में रोशनी लाया, बाकी पूरे मुल्क में तो अंधेरा है। बिलावल भुट्टो का खुजदार में जलसे से खिताब, कहा हमारा सर कट तो सकता है लेकिन किसी दहशतगर्द के सामने झुक नहीं सकता। बलूचिस्तान के लोग तशद्दुद की सियासत ना करें, वादा है कि तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। आसिफा भुट्टो की कयादत में सांगढ़ में पीपल्स पार्टी की रैली, बोली दूसरी सियासी जमातें अमीरों को मजीद अमीर और गरीबों को मजीद गरीब कर रही हैं। हम वादा करते हैं मुफ्त और मयारी इलाज फराहम करेंगे।
पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को करवाए जाएंगे। पीटीआई के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर राउफ हसन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। तमाम रजिस्टर्ड मेंबर्स पाकिस्तान भर में मुख्तस मुकामात पर वोट डाल सकते हैं। 31 जनवरी तक रजिस्टर्ड तमाम मेंबरान वोट के लिए अहल करार। पेट्रोल के बाद जान बचाने वाली 146 अद्वियात भी महंगी, वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि आम आदमी को अद्वियात की मुनासिब कीमत पर फराहमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। महंगाई हो गई है हर चीज को, 260 रुपए से एकदम 13 रुपए बढ़ा के 273 रुपए कर दिया। गरीब बंदे का बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना। आवाम के साथ जुल्म हो रहा है, उनसे दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि आवाम का ख्याल किया जाए। हमारी गवर्नमेंट माशाल्लाह आप देख सकते हैं पेट्रोल पे भी फिर पैसे बढ़ा दिए। आवाम ने पेट्रोल 13.55 रुपए और डीजल 2.75 रुपए महंगा करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। निगरान हुकूमत से कीमतों में इजाफा वापस लेने का भी मुतालिबा। कहा पेट्रोल सस्ता होने पर आवाम को रिलीफ नहीं मिलता, महंगा होने पर मुनाफा खोर हर चीज की कीमत बढ़ा देते हैं। ईरान में शहीद 9 पाकिस्तानियों की मैयतें मुल्तान पहुंचा दी गईं। लाशें निश्तर 2 अस्पताल मुंतकिल, शनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले की जाएंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा ईरान 9 पाकिस्तानियों के कत्ल की तहकीकात से पाकिस्तान को आगाह करेगा। पाकिस्तान उन ममालिक से राबते में है जहां से भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता रहा है। अफगानिस्तान में छुपे दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए खतरा हैं। इस हवाले से अफगान हुकूमत को सबूत भी फराहम किए जा चुके हैं। मरी और गलियात में बर्फ के अंबार, गाड़ियां तो क्या पैदल चलना भी दुश्वार। रात भर बदतरीन ट्रैफिक जाम रही और सयाह गाड़ियों में महसूर होकर रह गए। 17 मील से मरी में मजीद सयाहों का दाखिला बंद है और 1.5 फीट तक बर्फ ही बर्फ है। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन नारान का गान, गिलगित बल्तिस्तान में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। कश्मीर की वादी नीलम और लिपा में भी सफेदी, जगह जगह जमीनी रास्ते बंद। लाहौर, जहलम, गुजरात, मंडी बहादीन, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश, महकमा मौसमियात की मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। चोर को जेल की बजाय महल में ही रखा जा रहा है, अगर उसे बनीगाला के महल में ही रखना था तो सजा क्यों दी गई? रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का सवाल। मुसद्दिक मलिक बोले कि जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया तो बानी पीटीआई ने उन्हें मर्द मोमिन करार दे दिया, अब उनके खिलाफ फैसला आया तो उसे जज पर तनकीद क्यों? बानी पीटीआई अपील कर सकते हैं जबकि नवाज शरीफ को तो ये हक भी हासिल नहीं था। नवाज शरीफ और बानी पीटीआई ने लोगों को जेल में डाला, दोनों जमातों ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा, ये तसादुम की सियासत चाहते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा सिंध में पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन के रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त, परवेज इलाही समेत तमाम मुलजमान फर्द जुर्म के लिए तलब। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 14 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। मुलजमान को रेफरेंस की कॉपियां तकसीम, परवेज इलाही समेत दीगर मुलजमान को अदालत के रूबरू भी पेश किया गया। इलेक्शन कमीशन का 8 फरवरी को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी सरकारी और निजी तालीमी इदारे 6 से 9 फरवरी तक बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर तालीमी इदारों में पोलिंग स्टेशन का क्याम अमल में लाया जाएगा। निगरान वजीर आला सिंध ने तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में छुट्टियों की समरी मंजूर कर दी।
पंजाब में नमूनिया से मजीद 8 बच्चों का इंतकाल। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 792 केसेस रिपोर्ट हुए हैं।